ये जो इक्वेशन है ये ट्रैजिक इक्वेशन है, वी हैव डिराइव्ड दिस, दिस इज न्यूटन्स पेटेंट इक्वेशन, न्यूटन का पेटेंट है, और ये इक्वेशन हम आगे के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करना हमें, कोई भी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल अल्फा विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, हमारी रिक्वायरमेंट है ये कहाँ जाके गिरेगा, कितने दूरी पर गिरेगा, यानी दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, राइट, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड इट्स रेंज आर, और इसलिए इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मैं आर लिख कर रहा हूं और ये वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, और मैं न्यूटन के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू आर, क्या जानता हूं मैंने स्पीड किया है, वेरी सिंपल, नेक्स्ट माइनस वन हाफ जी, एक्स की वैल्यू है आर स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज। अभी आप इसको ठीक तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ना तो एक आर को चला जाएगा, और इतना आपको आना चाहिए कि आपके पास नोटबुक है, आप थोड़ा अपने आप से सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा पता है, यू स्क्वायर टू साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, यू स्क्वायर टू साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, ऐसा इक्वेशन आएगा कि आप जरा अपने नोटबुक पर ट्राई आउट करो, ट्राई आउट किया आपने अरे कि नहीं आता, और यहां तक आने के बाद आपको R का इक्वेशन मिलेगा U स्क्वायर साइन ऑफ टू अल्फा, क्योंकि टू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन टू अल्फा अपॉन G, इसको मैं ब्लॉक करता हूं, इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन है, इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन है, और इसको माय हर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में जैसे क्वेश्चंस आएंगे लास्ट में एनालिसिस के बाद मैं ये भी बता दूंगा कि हाउ टू रिमेंबर दिस, देर इज वन ट्रिक टू रिमेंबर दिस, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी। अभी बात यह है कि हमारे जो राइफलमैन में है उसको हमने कहा कि ये जो तू बुलेट फायर करेगा वो जितने दूरी पर जा सकता है उतने दूरी पर तुम्हें उसको थ्रो करना है, या कोई बेट बॉल होता है हमने कहा जितना दूर जा सके उतना ट्राई करना है, यानी इसका मतलब क्या है मैक्सिमम एनर्जी, मैंने क्या किया बेट बॉल है मेरे हाथ में और मैं थ्रो कर रहा हूं, अभी जितनी बार भी थ्रो करूं या मेरे हाथ में एक राइफल है मैं कितनी बार भी फायर करूं तो भी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी सेम, क्योंकि राइफल में जो स्प्रिंग है उसका स्टीफनेस क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली एज मेनी टाइम्स एज आई विल फायर इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी विल बी व्हाट सेम, व्हाट आई कैन वेरी अल्फा, बाय वेरिंग द अल्फा आई कैन वेरी दिस आर, अलग अलग रेंज मिलेंगे, देखिए ना मैं यहां पर ये इतनी ऊंचाई पर फेंक रहा हूं लेकिन रेंज बहुत कम आ रहा है, और मैं थोड़े 20 डिग्री एंगल पर थ्रो करूं तो दूर जा रहा है, तो व्हाट इज दैट एंगल, ऐसा कौन सा एंगल है जिस एंगल पर हम प्रोजेक्शन करेंगे तो ये रेंज की वैल्यू हमारी मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल रहेगी। तो हमारे मैथमेटिशियन ने कहा सर एक काम करो आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, आप बोल रहे हैं कि आपके राइफल में जो स्प्रिंग है उसका स्टिफनेस कांस्टेंट है और कितनी बार भी फायर करो तो वेलोसिटी क्या रहेगी सेम, प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑल द टाइम विल बी सेम इनिशियल वेलोसिटी, ये तो आपको लगेगा ड्यूरिंग द मोशन के दौरान में वेलोसिटी बदलती है क्या, वेलोसिटी बदलती लेकिन प्रोजेक्शन करते वक्त कितनी बार भी प्रोजेक्शन करो इनिशियल वेलोसिटी सेम एज्यूम की जाएगी बिकॉज स्प्रिंग इज सेम स्टिफनेस इज सेम सो यू कॉन्स्टेंट है, और हमने अभी अभी कहा कि जी वैरी होगा पर फॉर गिवन स्पेस फॉर गिवन एक्सपेरिमेंटेशन जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां जी हम क्या एज्यूम करने वाले कॉन्स्टेंट, वेरी ऑब्वियसली रहा कौन है हम किसको वेरी कर सकते हैं अल्फा को वेरी कर सकते हैं, और हमें अगर आर मैक्सिमम चाहिए तो कौन मैक्सिमम होना चाहिए आप ही बताओ, एक आवाज में बताएंगे आप, साइन टू अल्फा मस्ट बी मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट वन, ऑब्वियसली टू अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये बताने की आवश्यकता है साइन 91 होता है,
वेरी ऑब्वियसली अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री ब्लॉक करता हूं यहां पर कंडीशन फॉर क्या लिखना चाहिए मुझे यहां पर कंडीशन फॉर मैक्सिमम एमएक्स डॉट का मतलब क्या है मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज यहां रेंज का मतलब मैंने बताया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट टाइम इस प्रकार से अल्फा अगर 45 डिग्री रखेंगे ना तो फॉर द गिवन कैपेसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी योर रेंज विल बी व्हाट मैक्सिमम यानी आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए ज्यादा से ज्यादा दूरी पर थ्रो करना है कोई वाटर जेट जेट है तो आप 45 डिग्री पर रखो जहां भी जेट स्ट्राइक होगा उससे और वो दूर नहीं जा सकता है इफ यू आर कीपिंग 45 डिग्री फिर आप कहेंगे नहीं सर मैंने 45 डिग्री एंगल रखा है आपके मुताबिक मेरा रेंज अभी आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है बराबर लेकिन मुझे इससे भी रेंज और बढ़ानी है तो मैंने कहा फिर यू बढ़ाना पड़ेगा फिर यू विल हैव टू चेंज व्हाट राइफल बट अवर कंडीशन इज दैट अवर राइफल विल रिमेन सेम हम राइफल को चेंज नहीं कर सकते ऐसे वक्त हमें रेंज मैक्सिमम के लिए 45 डिग्री एंगल रखना है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमें यह देखना है ओ टू बी कितना टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ड्यूरेशन फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर टाइम ड्यूरेशन फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर प्रोजेक्टाइल मतलब क्या है पता है ना पार्टिकल मूविंग या बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ओनली देयर इज ओनली कंट्रोल ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस प्रकार से अभी हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट ओ टू बी कितना टाइम लगेगा ओ टू बी टाइम निकालने जा रहे हैं देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड है आर राइट एंड हम ये अज्यूम करते हैं ओ टू बी टाइम लगा है टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता हूं टी टोटल ऐसे लिखता हूं तो ये टी टोटल निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल आर अपॉन टाइम टी टोटल यानी इसको हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे हाँ सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ब्रो भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टी मस्ट बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप कहेंगे सर इसमें न्यूटन की इक्वेशन यूज क्यों नहीं किया आपने क्यों नहीं यूज किया हमने बिकॉज यहां पर वेलोसिटी क्या है कॉन्स्टेंट है न्यूटन की इक्वेशन हम कब यूज करते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज अ कॉन्स्टेंट और जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है यानी यू कॉस अल्फा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो वेरी सिंपल इक्वेशन है यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम सिंपल इक्वेशन है इसके बाद देखिए ना क्या होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली आई विल राइट टी इंस्टेड ऑफ सेइंग टोटल टी इज अ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ओ टू बी जो हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज आर अपॉन यू कॉस ऑफ अल्फा वेरी सिंपल थिंग अभी अभी तो आपने कहा था यू स्क्वेयर क्या आएगा बोलो साइन ऑफ टू अल्फा अपॉन जी ये किसका इक्वेशन है आर का डिवाइडेड बाय यू कॉस ऑफ अल्फा एज इट इज ये सिंप्लीफिकेशन किया है हमने ऐसा हो रहा है क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको फिर एक बार आर अपॉन टी इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट फिर मैंने टी यहां पर क्रॉस किया यू कॉस अल्फा नीचे लेके आया हूं ये इक्वेशन लिखा है आर की वैल्यू जो हमने डिराइव की थी उसकी वैल्यू रखी है यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी और यू कॉस अल्फा एज इट इज अभी देखिए ना आप यहीं पर देखिए साइन टू अल्फा के लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं टू साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा जरा बताइए आप ही कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन टर्म्स ऑफ गिवन कंडीशन हमें क्या मिल सकता है दैट इज टी इज इक्वल टू एक यू कट जाएगा गेम यू नेक्स्ट साइन ऑफ अल्फा कॉस अल्फा कट जाएगा देखिए ना एक कॉस अल्फा कट गया एक यू कट जाएगा रहा कौन टू साइन अल्फा अपॉन जी सो व्हाट इज दिस टोटल टाइम ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ गिवन कंडीशन आपको इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है तो आप टाइम ऑफ लाइट निकाल सकते हैं
एज लाइक एज जैसे आप रेंज भी हमने एक्सप्रेस किया है, फिर एक बार लिखता हूँ यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी, यानी इन टर्म्स ऑफ गिवन कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, आप रेंज निकाल सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी यू दिया है, अल्फा दिया, आप सी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोजेक्टाइल में जो इस एनालिसिस का लास्ट पार्ट है, लेकिन उसके पहले आपको ये जरूरी है ध्यान रखना होगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अल्फा कितना होगा? 45 डिग्री, ये हमने अभी बात की। साइन टू अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1, तभी रेंज मैक्सिमम है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज इज 45 डिग्री, बट व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैंने कहा है कि मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या है, ट्रायंगल 45 होना चाहिए, लेकिन कब? व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एंगल 45 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड व्हाट? इट इज स्ट्राइकिंग द पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट पैरामीटर है, दैट इज द मैक्सिमम हाइट h। किसी ने मुझे कहा कि ये प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, कोई वेलोसिटी होगी u 10 15 कोई भी हो सकता है, अल्फा कोई एंगल दिया है, सवाल पूछा है कि ये हाइट कितनी होगी, कितने ऊंचाई पर जा सकता है। तो हमने कहा कि देखो y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ऐसा है कि नहीं? अभी देखा आपने, यहां पर हमें क्या देखना है, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो जरा आप सोचेंगे कि क्या एनालिसिस हो सकता है इस सिचुएशन में, मैक्सिमम हाइट पर मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, यहां मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, और यहां पर एच वाई की वैल्यू क्या रहेगी, एच वाई की वैल्यू एक्स, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आर बाई टू, ये आर बाई टू क्यों है एक्स, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सो ये आर बाई टू एंड एक्स। नाउ यू सी दैट आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू मैं आर एच सब्स्टिट्यूट करूंगा जो मुझे निकालना है, एक्स की वैल्यू है आर बाई टू टैन अल्फा, को सिंप्लीफाई करता हूं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1/2 जी, एक्स की वैल्यू है आर बाई टू अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा सब्स्टिट्यूशन मैंने किया। आर का इक्वेशन है कि नहीं आपके पास, आर का इक्वेशन है, आर का इक्वेशन यहां रखेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहां क्या मिलेगा पता है, आपको सिंप्लीफाई करना है, करके देखना है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी, और ये हो गई मैक्सिमम हाइट। सर आवाज साउंड